और अयो दया निधि मेरे सामने ओ बिनती गजनी सुनाई अयो दया निधि मेरे सामने मेरी चौभरी सूड़ी रही है बाकी और न मेरा कोई चौभरी सूड़ी अरे सरल पड़े की लाज बचाओ सरल पड़े की लाज बचाओ आप बने निरमोही अयो दुराई अयो दया निधि मेरे सामने और बोला है हाथी नाम अब मेरा कोई नहीं है नाथ तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं बचा पाएगा प्रभु मेरा सारा परिवार जिसके ऊपर मैंने घमंड किया वो सारा परिवार मुझे छोड़ करके जा चुका है जप तप साधन योग न जानू हाथी को तन मेरो जप तप साधन सबुद्धि शक्ति नहीं तन में ताम सबुद्धि शक्ति नहीं तन में सब जग लगे अंधेरों कमल तब सूढ़ी में उठाई अयो दया निधि मेरे सामने बोलो नाथ मेरा हाथी का शरीर है प्रभु मैं न जप जानता हूं न तप जानता हूं केवल भेंट के लिए एक कमल का फूल है प्रभु अगर बचाना चाहते हो तो बचा लो अन्यथा प्राण तो जा ही रहे और जैसे ये करुणा भरी हाथी की आवाज भगवान के कानों में जाकर के पड़ी अरे गज की तेरा सुनी जमारी ने अरे नंगे पाई न धाए गज की तेरा अरे पलकी तेरा करी नहीं हरिनी पलकी तेरा करी नहीं हरिनी ने न रोस भरी लाए बाजे गरुड़ को बिहाई अयो दया निधि मेरे सामने भगवान कन्हैया के कानों में जब ठाकुर जी के कानों में आवाज पड़ी हाथी व्याकुल होकर के मुझे याद कर रहा है सोई भगवान ने अपनी प्रिय सवारी गरुड़ का भी ध्यान नहीं किया नंगे पैर भगवान दौड़ते आए एक पैर भगवान का गरुड़ की पीठ पर रहा
दूसरा पैर भगवान ने उस सरोवर पर रख दिया। अरे एक हाथ से खींचे दोनों, अरे चक्र चलायो, एक हाथ से और पापी ग्रह को मारी दयो है, पापी ग्रह को मारी दयो है, गज को बंद छुड़ायो, उर्वेश की तरह सुनाई आईयो दया सावरे। इस प्रकार जब हाथी ने करुणा भरी आवाज लगा करके दीन बंधु दीनानाथ को पुकारा है, तो भगवान ने फिर आने में विलंब नहीं किया। भगवान दौड़ करके उसी सरोवर पर आए, एक हाथ से भगवान ने गज और गिरा दोनों को खींच लिया, जल से बाहर रखा, चक्र सुदर्शन के द्वारा भगवान ने गिरा को मार दिया और भक्त हाथी की गजेंद्र की रक्षा की है। देखिए एक तामसी जीव गजेंद्र ने भी भगवान को बुला लिया, तो अगर हाथी जितनी भी दया अगर हमारे हृदय में हो जाए तो मैं कहूंगा कि मेरा कन्हैया आज भी भरत खंड ब्रजमंडल में आने में देरी नहीं करेगा। बोलो गोविंद भगवान की। सभी भक्त तालियां बजा करके एक भगवान का प्यारा से कीर्तन बोले, आज गजेंद्र का उद्धार होता है।